इस समय भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडियाई संसद में जस्टिन ट्रूडो के भारत पर इल्जाम लगाने के बाद से शुरू हुआ ये मसला अब दोनों देशों के बीच ट्रैवल पाबंदियों तक जा पहुंचा है। ऐसे में इस समय असामाजिक तत्व की ओर से लोगों को भड़काने का काम भी किया जा रहा है और इसका शिकार बन रहे हैं सोशल मीडिया यूजर्स। दरअसल इस विवाद के चलते सोशल मीडिया पर खूब फेक न्यूज और दावे फैलाए जा रहे हैं। इस विवाद का फायदा उठाते हुए कई लोग समुदाय के बीच दरार डालने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक दावा वायरल हो रहे इस ट्वीट में भी किया जा रहा है। प्रकाश कुमार भील नाम के एक यूजर ने अपनी ट्विटर पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति भवन में तैनात सिख सुरक्षा कर्मियों को बदल दिया गया है। इसके अलावा भारतीय सेना सिख सैनिकों को घर जाने की छुट्टी नहीं दे रही है। भारतीय एजेंसी पीआईबी ने इस पोस्ट की जांच की और पाया कि ये सभी दावे फर्जी हैं। पीआईबी ने अपने ऑफिशियल साइट से पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ये दावा फर्जी है और तनाव पैदा करने के इरादे से शेयर किया गया है। इस ट्वीट के वायरल होते ही सिख सैनिकों को छुट्टी नहीं देने की बात पर भारतीय सेना के एडीजीपीआई ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आपको बता दें, ज्यादा दिन नहीं हुए जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे। G20 के दौरान उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई थी, लेकिन वापस लौटते ही उन्होंने भारत विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है, भारत सरकार पर आरोप लगा डाले। भारत के टॉप डिप्लोमेट को देश से निष्कासित कर दिया गया और भारत के साथ होने वाले FDA को भी रोक दिया गया। इसके बाद भारत की सरकार की तरफ से भी कड़े फैसले लेने पड़े। भारत ने भी कनाडा के डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया, साथ ही भारत के विदेश मंत्री ने भी कनाडा को लेकर भारत का रुख साफ कर दिया। भारत का रुख साफ करते हुए बयान दिया, वीजा को लेकर भी कड़े कदम उठाए गए और इसके अलावा आतंकियों की संपत्ति पर भी शिकंजा कसा गया। दोनों ही देशों ने अपने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और इस पूरे मामले पर विश्व बिरादरी की भी निगाहें टिकी हुई हैं। इस पूरे मसले पर कनाडा को भी दूसरे देशों से कोई खास समर्थन मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।